हेलो गाइस, होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग. सो आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस, लाइक यू लव्ड माय लास्ट व्लॉग रिगार्डिंग द हेल्थ बेनिफिट्स एंड द कैनेडियन सिस्टम वेयर आई एम राइट नाउ. इट्स रियली ग्रेटफुल. आई फाउंड आउट द सब्सक्राइबर्स आर गोइंग अप. आई फाउंड आउट द पीपल आर वॉचिंग माई व्लॉग एंड दे आर गेटिंग एंटरटेन लिटिल बिट. And again, thank you for everything. So, आज का vlog जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि ये 2020 में सारी जितनी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं natural नहीं है. मतलब कहीं हर ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ Canada में हो रहा है या फिर सिर्फ India में हो रहा है. All over the globe में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा. और इस बुरी चीज़ों को लेकर अभी मैं देख ही रहा था कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने खाली टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कहते हैं यूटिलाइज करने के लिए हम सारे लोग कहीं ना कहीं टिकटॉक पे या फिर कहीं ऐसे वीडियो ऑनलाइन ऐप है हम उस पर कहीं ना कहीं बिजी थे और हम अपना टाइम दे रहे थे. बट रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि ऑल ऑफ सडन आई डोंट नो, मतलब कभी भी रात में सो सपने देखो और सुबह उठो तो कुछ ना कुछ हुआ ही होता है. सो मुझे मैंने सुना और बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है इंडिया की तरफ से. और कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ परसेंटेज में देखा जाए तो गलत भी है. मैं सपोर्ट में हूँ जो हुआ, और आप सभी लोग बताइएगा कमेंट में कि आप सपोर्ट में हैं कि नहीं हैं. बट इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा स्टेप उठाया कि इंक्लूडिंग टिकटॉक दे बैन 60 चाइनीज ऐप. आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द चाइनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऐप्स. क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम इस टेक्निकल वर्ल्ड के अंदर हैं जहाँ पर हम चाहते तो हैं सब कुछ पूरी दुनिया को दिखाना. मैंने ऐसे लोगों को देखा जो ब्रश तक कर रहे हैं वो भी फेसबुक पे डालते थे व्हेन वी हैड द फेसबुक ट्रेंड. बट कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जो कि आज जितने लोग इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, इस अकाउंट सिक्योरिटी को समझते हैं, इस इन थ्रेड को समझते हैं जो ऑनलाइन के थ्रू आते हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि इंडिया में जो स्टेप्स उठाए गए टिकटॉक जैसे और ऐसे कई सारे चाइनीज ऐप को बैन करने का, जो कि जिसको आप साइन अप करते हो हमें कुछ नहीं मालूम होता. इवन दो अगर आप विंडोज इंस्टॉल भी करते हो अपने लैपटॉप में तो आपको मालूम नहीं होगा. यू आर जस्ट प्रेसिंग एग्री 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 यस 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 और आप वेट करते हो कि ये चीजें इंस्टॉल हो जाए और आप अपनी चीजों को कंटिन्यू करके यूटिलाइज कर सको. बट जब आप हर बार यस दबाते हो या फिर जब आप हर बार अलाउ बटन दबाते हो उस ऐप के लिए, वो कहीं ना कहीं आपसे एक परमिशन मांग के आपके मोबाइल के थ्रू आपके लाइफ में एक स्टेप एंटर कर जाती है जो कि लोगों को नहीं मालूम होती. जो कि लोग सोचते हैं इट्स ओके, मुझ में ऐसा क्या है कि जो मेरा बैक हिस्ट्री या फिर मेरी पर्सनल डिटेल्स लेके कुछ कर लेंगे. बट आप सभी लोगों को मालूम होगा कितने स्कैम्स चल रहे हैं. और कहीं ना कहीं एक टाइम था जब राजा महाराजा लोग प्रजा को कंट्रोल करते थे, है ना. आज की डेट में ये टेक्निकल दुनिया के अंदर आज जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो हम कहीं ना कहीं भले ही फिर आप प्राइवेट कर लो, जो कहीं ना कहीं हम एप्लीकेशन को एक्सेस देते हैं, वो भी एक अलग सा जरिया है हमारी कहते हैं हमारा कंट्रोल दुनिया को देने के लिए. और मैं न्यूज़ पढ़ रहा था एंड आई वाज रियली शॉक्ड दैट 1.3 बिलियन आई थिंक नियरली 1.3 बिलियन या 1.3 बिलियन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, मतलब जो इंडिया के अंदर 1.3 बिलियन लोग हैं वो ऑनलाइन हैं और वो टिकटॉक जैसा ऐप यूज़ कर रहे हैं. मैंने और भी न्यूज़ देखा जिसमें दिखाई दे रहा था कि टिकटॉक या फिर कह सकते हो चाइनीज़ का सबसे बड़ा मार्केट किसी भी चीज़ को लेकर एक इंडिया है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है. सो ये अच्छा हुआ मेरे हिसाब से. एंड मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे टिकटॉक की आईडी आप सभी लोग देखते होंगे डिस्क्रिप्शन में, मैं जरूर अपनी टिकटॉक की आईडी मेंशन करता हूं क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि क्यों ना मैं अपने स्किल्स को डेवलप करूं और अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाऊं.
कनाडा में टिकटॉक बैन नहीं हुआ है, सो इट्स नॉट अफेक्टिंग मी, बट कहीं ना कहीं आज एक एक जो यूथ है, इंडिया का यूथ कह लो या फिर कनाडा का या फिर ओवरऑल ग्लोब के यूथ की बात कर लो, कहीं ना कहीं आज हम इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. मतलब ट्रेंड, यू नो, कि हम अपने आप को लोगों से अलग दिखाते हैं कि भाई मेरा वीडियो वायरल हो गया, भाई मेरे इतने लाइक्स आ गए, भाई ये भाई वो. बट आप जस्ट सोचो कि इंसान स्टार्ट उस चीज को इसीलिए किया था कि जो उनका खाली टाइम जा रहा है उसको स्पेंड करे, कुछ सीखे. लेकिन जब कुछ दिनों बाद लोग उसको अपना डेली रूटीन मान लेते हैं, उसको अपनी एक लाइफ मान लेते हैं, वहां से दिक्कत शुरू हो जाती है. आप देखिएगा जितने भी लोग हैं, मोस्टली लोग 90% लोग ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट या फिर अंडर 12th ग्रेड, यही सारे लोग हैं जो टिकटॉक पे हैं और वो फेमस भी हैं. दे गॉट द पॉपुलर क्रिएटर, आई डोंट माइंड. मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर थे जो कि घट घट के 800 समथिंग में आ गया. मेरे पास लाइव का ऑप्शन है, मैं अभी भी कुछ लोगों को देखता हूँ जिनके पास लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा था टिकटॉक पे, मेरे पास है. आई डोंट नो हाउ आई गॉट इट, बट आई थिंक सो इट्स समथिंग गुड जो कि इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि 60+ ऐप्स को ऑफ करना है. अब जितने भी लोग जो टिकटॉक के थ्रू पॉपुलर क्रिएटर बने थे, जो लोग दिखा रहे थे कि लिपसिंग से आप पॉपुलर क्रिएटर बन सकते हो, बट अब आप सोच के देखो कि पूरी दुनिया शाहरुख खान बन रही है, ठीक है, बट साइड बाय साइड आपको बैकअप होना चाहिए. सो बहुत सारी बुरी खबरों में एक बुरी खबर और उन टिकटॉकर्स के लिए जो कि कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि वी विल बिकम फेमस थ्रू दिस टिकटॉक. मेनी ऑफ देम दे गॉट फेमस, बट स्टिल नाउ व्हाट, अब क्या, अब आगे कैसे सर्वाइव करोगे? कुछ लोगों को देखा था 10th 11th में हैं और वो टिकटॉक पे फेमस, टिकटॉक पे पॉपुलर क्रिएटर बन चुके हैं, लेकिन अब क्या? तो बैक टू द बेसिस अगर कहा जाए तो गाइस मेरा यही सजेशन है सभी लोगों से, मानना ना मानना ये आपकी बात है, स्टडी करो, पढ़ाई करो, कुछ ऐसा करो कि 4 पैसे की आमदनी हमेशा आती रहे. उसके बाद जो आपका खाली टाइम बचता है, आई वुड सजेस्ट यू 100% दो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए. बट आज के डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही चीज़ है कि अपने लाइफ में हर वो पॉसिबल चीज़ करो जिससे लाइफ बने, ना कि डाइवर्ट हो. किसी चीज़ को अपनाना शौक के तौर पे, उसे शौक के तौर पे रहने दो, उसे अपना डेली लाइफ में मत लेके आने, तो प्रॉब्लम होगी. सो कॉल जैसे टिकटॉक बंद हुआ, मैं देख रहा था, मैं इस वीडियो में अपलोड करूँगा, आप लोग देखिए कि लोग किस हद तक इमोशनल है टिकटॉक के लिए, और क्यों ना होते हैं. कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो. चल बाय बाय हॉल फ्रेंड. सभी लोग होते हैं यार. मेरा एक टाइम था व्हेन आई वाज इन 12th, जब मैं 12th ग्रेड में था, आज से 10 साल पहले ऑरकुट आया था. फेसबुक वेसबुक कुछ नहीं था और हम डेस्परेट थे कि ऑरकुट पे सबसे ज़्यादा स्क्रैप्स करने हैं, सबसे ज़्यादा अपना पोस्ट डालना है, लोगों को लाइक मिले. फिर उसके बाद ऑरकुट बंद हो गया, फेसबुक आया. अभी तो फेसबुक का ट्रेंड कम हो गया, लेकिन जब कुछ नहीं था फेसबुक में, तब हम 12-12 घंटे डोंगल लगा के लगे हुए हैं चैट करने में, फोटोज डालने में. वो खत्म हो ही रहा था, इंस्टाग्राम आ गया. सो गाइस ये दुनिया में एक ट्रेंड है कि एक के बाद एक टेक्नोलॉजीज आती हैं, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आपने उस टेक्नोलॉजी में कितना टाइम दिया है और उस टेक्नोलॉजी के बाद आपके पास खुद के लिए कितना टाइम बच रहा है, जिसकी वजह से आप अपना करियर बना पा रहे हो. सो इंडिया में कई सारे डेथ्स भी हुए, कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई टिकटॉक को लेकर, कितने लोग लड़ रहे थे टिकटॉक के बेस पर. एंड I don't mind. अच्छा हुआ बंद हो गया, मुझे क्या मतलब यार, come on यार, TikTok is not a life. There are many other platforms. कुछ लोगों को मैंने ये तक कहते सुना है कि मेरे पास जो भी मेरा अच्छा लगता था उसको सबको छीन लिया, अब TikTok को भी ले लिया. Come on guys. आगे जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे. यहाँ अटको मत, यहाँ से निकलो, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, लाइफ में कुछ तो करो. टिकटॉक विकटॉक फेमस होना, आपको दुनिया जानना, आज जानती कल भी जान जाएगी, आज नहीं जानती तो भी कल जान जाएगी. कुछ नाम तो ऐसा करो, कुछ काम ऐसा करो. आई रिस्पेक्ट हु आर सो मच डिवोटेड, हु आर 100%, दे आर गिविंग देयर 100%, बट स्टिल गाइस कम ऑन, ग्रो अप. ऐसे कई सारे
टिकटॉक जैसे एप्स हैं और ऐसे आए और चले गए. सो माइंड ना करो. इंडिया ने एक अच्छा, इंडिया गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप उठाया, जो कि नियरली 60 एप्स जिसमें कि थे टिकटॉक था. आई वॉज लाइक लुकिंग द ऑनलाइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यू नो. सो मैं देख रहा था कि टिकटॉक के जैसे कई सारे ऐप्स थे वो सारे बंद हुए हैं. जैसे टिकटॉक हो गया, एक बैदू ऐप हो गया, एक यूसी ब्राउजर हो गया, शेयर इट हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते थे. जाने अनजाने में हम रजिस्टर करते जाते थे और हमें मालूम नहीं होता था. बट गाइज, आप आग बंद करके विश्वास तो कर सकते हो अपने फ़ोन पे, लेकिन जो फ़ोन से इन्फॉर्मेशन जा रही नेटवर्क में वो आपको मालूम ही नहीं चलेगी, क्योंकि बैकएंड की इन्फॉर्मेशन है. सो फॉर द सिक्योरिटी सेक इट्स गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. इवन दो द थिंग्स विच वी आर डीलिंग विद, I don't want to say, but again, the things we are dealing with the other countries, it's better if we are avoiding these things so that they got the slowdown in their market and they realize what they have to do. So, acha hua jo hua. Comment mein aap sabhi log zarur bataiye ki kitne log TikTok pe hain aur kitne logon ko bura lag raha hai aur kitne logon ko acha lag raha hai. Even though maine ek cheez aur dekhi ki India mein reality mein wo ban ho gaya, kyunki main post zarur karunga, is video mein zarur dalunga, aap log dekhiyega. Logon mein network nahi aa raha hai. Kuch log dusre deshon se bol rahe hain ki unka bahut bada huge fan followings tha wo India ke andar, aur unke likes aur subscribers ghat rahe hain. Ki India mein ab pakka ban ho gaya hai TikTok, to main aapko ye kehna chahti hu ki ab mere likes, followers and views kam ho jayenge. तो फॉलोअर्स के नहीं पता है, होपफुली नहीं होंगे, बट आप लोग जितना भी और कंट्रीज से सपोर्ट कर सकते हैं तो करें, क्योंकि अभी मैं वीडियो पोस्ट किए बहुत स्लो जा रहे हैं, पता चल रहा है. तो ऑब्वियसली हमारा कंटेंट अब कम हो जाएगा, क्योंकि मेरी 80% इंडिया से है. तो अगर इंडिया में चल रहे हैं तो आप लोग बताएं, कोई कोई VPN के थ्रू कर रहे हैं, बट बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब TikTok बंद ही हो गया वहाँ इंडिया में. तो मुझे पता है बिल्कुल अब कुछ लाइक माई लाइक्स व्यूज नहीं आने वाले हैं, तो मैं वीडियोस इंस्टा पे पोस्ट. लाइक्स और फॉलोअर्स घट रहे हैं. अब देखिए 879 मेरे में है और 14,000 समथिंग लाइक्स हैं, और लाइव का ऑप्शन भी है. मेरे पास सब कुछ है, इट डजंट मैटर. मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर नहीं है, बट आई डू हैव ऑल द थिंग्स इन माई टिकटॉक. सो गाइज अगेन, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टिकटॉक के लाइव पे जाता भी नहीं, जाते हैं तो ज्यादा लोग नहीं आते. कम ऑन गाइस, दिस इज नॉट द लाइफ. सो ग्रोन अप, व्हाटएवर हैपेंड, व्हाटएवर द इंडियन गवर्नमेंट डिड, दैट्स वेरी गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. आई नो देयर आर मेनी पीपल हु हेट दिस वीडियो, बट लेट मी नो इन कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू गाइस.